बच्चों के खिलाफ मुख्यमंत्री राजस्थान का दुर्भाग्य था। ये राजस्थान का दुर्भाग्य था कि वसुंधरा जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी और ये हमारी प्रजा का इससे ज्यादा बुरा संसदीय शब्दों का हटा दिया जाएगा। आरोप है वो भी हटवाओ आप। माननीय जो है नेता राष्ट्र दो में है कि वो कौन से करेगा, वो पुलिस क्या करेगी? सहयोग करिए, सहयोग करिए, प्लीज प्लीज मुकदमा दर्ज करना राजी। और उसके बाद बिराजी, बिराजी मैंने आपसे आग्रह कर दिया बिराजी, प्लीज सहयोग करें, प्लीज नहीं राष्ट्र दो का पुलिस दर्ज, पुलिस दर्ज करती प्लीज बिराजी होगा बिराजी। 4 बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष को बोलना है, प्लीज सेव करिए प्लीज। सभापति महोदय प्लीज बिराजिए, बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा मैं आपको, प्लीज बिराजिए। सभापति माननीय सदस्य थोड़े संयमित बात है प्लीज। सभापति महोदय हमारी बहुजन समाज पार्टी का 30 मिनट का टाइम है हमारा और उसमें माननीय हमारे लाखन जी के अलावा कोई नहीं बोला और मैं बोल रहा हूँ इस मामले में भैरू सिंह जी अच्छे मुख्यमंत्री हुए चाहे किसी भी पार्टी की, हम उनकी बड़ाई करते हैं, शानदार आदमी थे। लेकिन आपको बताऊं प्लीज प्लीज माननीय सभापति महोदय आप एक छोटी सी बात कहकर मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक किसान के घर के अंदर पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता था, किसान की भैंस के जो दूध होता था जो किसान खेत में काम करने के लिए जाता था बंदर पीछे से मड़ाई खा जाता था, मलाई के जो चिकना हाथ था वो पाटा जो उसका भैंस का बच्चा था उसके मुंह के लगा देता था, किसान जब भी घर आता तो उस पाटे की ठुकाई करता था, बंदर ऊपर चढ़ जाता, दूसरे दिन भी वो बंदर वैसा ही कर रहा था। तो ये तो सारे टुकड़े के लिए थे, मलाई तो वसुंधरा जी खा गई। आपको बताना चाह रहा हूँ माननीय सदस्य राजस्थान ऐसा कोई भी ये क्या तरीका है माननीय सभापति महोदय, ये तरीका है क्या लिखवा रहे हो आप? मैंने आपसे आग्रह किया ये कोई भी ऐसा शब्द होगा जो असंसदीय होगा हटा दिया। आप ऐसे तो कह देते हैं कि अंकित नहीं होगा माननीय, ये क्या तरीका है? आसन पैरों पर आप बिराजी, आसन पैरों पर व्यक्ति का आरोप नहीं लगा सकते, पैरों पर प्लीज बिराजिए। मां बहन जी बिराजिए, कौन सा तरीका है? पैरों पर एक मिनट बिराजिए, नहीं नहीं नहीं, पूरे सदन के सदस्यों को आरोपित करें बिराजिए, बिराजिए आसन पैरों पर बिराजिए, ये सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बिराजिए। माननीय सदस्य सुंदरा जी का माननीय सदस्य सभापति महोदय आपको वसुंधरा जी ने जेल में नहीं डाला इसलिए आपको मजे आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ एक बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और उस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ, 2 घंटे तक एक्सीडेंट उदयपुर वाटी थाने की पुलिस ने 2 किलोमीटर पहुंचने में 2 घंटे लगे थे और उस बच्चे को ईमानदारी की बात हमने उस बच्चे को उठाया, हमने पोस्टमार्टम किया, हमने दाह संस्कार कुछ नहीं किया, झूठे मुकदमे लगा के 40 दिन जेल में ठगा दिया। अरे इन्होंने तो दुष्कर्म किए, इन्होंने तो उल्टे काम किए, 40 दिन तक मुझे और उसके बाद में मलाई खा गई। तो सबको पता पूरे राजस्थान में किसने राजस्थान को लूटा, राजस्थान को लूटने के अंदर वसुंधरा जी ने पीएचडी कर रखी थी, इस मामले में कहां दिक्कत है? मैं मानी से मुझे आपको बैठने के लिए आगे करना पड़ेगा। मैं स्वयं जो है आपको ये कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा शब्द होगा जो हटा दिया जाएगा, प्लीज सेव करें, सेव करिए आप लोग। रिले हो रहा है यूट्यूब पर सारी जा रही है, नहीं होगा जो भी शब्द है वो असंसदीय है वो हटा दिया जाएगा। बिराजी आप लोग बिराजी आप, मैं बात कर रहा हूँ ना बिराजी। माने सदस्य बिराजी, माने राजेंद्र सिंह हुड्डा, मेरा आपसे विनम्र अपील है, आग्रह है, कृपया ऐसी बात नहीं करें जो बेवजह उत्तेजना पैदा करे और आज के दिन का विशेष महत्व है। आसन पैरों पर माफी पैरों पर अभी भागना पड़ेगा बिराजी। अन्य सभापति महोदय मैं बैठ बिराजी बिराजी नहीं है बिल्कुल नहीं, नाम योजना भी है नई शुरुआत बिल्कुल नहीं, सभापति महोदय जिसके अंतर्गत 2019 में देश भर में 1,000 मंडियों में कृषि जिनसों के व्यापार के लिए शुरू किए गए नाम प्लेटफॉर्म, तो ये हम लोग भी इसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे कोई भी सदस्य हों जो सदन की गरिमा है उसको बनाते हुए अपनी बात को कहें तो वो एक अच्छी परंपरा, चाहे मेरे कोई भी सदस्य हों
जो सदन की गरिमा को बनाते हुए अपनी बात को प्रयोग है वो बाजारू शब्द से भी नीचे अगर चला जाए और रिकॉर्ड पर आ जाए इससे ज्यादा दुख इस विधानसभा के लिए नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है वो भविष्य में कोई भी सदस्य नहीं करे। हम तो उसी टाइम में बोल रहे हैं, यदि मैंने कोई खिलाफ तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अध्यक्ष महोदय आपसे अभी मेरी बात तो चल रही थी, हमारे क्षेत्र के अंदर हमारे लोगों के साथ जिस तरीके से पिछले राज के अंदर गृह मंत्री थे हमारे प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद जी कटारिया, ईमानदार आदमी पूरे राजस्थान में इनके बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन जो ये ईमानदार है जो ईमानदार नहीं है तो उनके बारे में वैसी चर्चा चलेगी, हम क्या बोलेंगे सबको पता है। मानी सदेश आप ना अपनी समझ सुन ले, इस मुद्दे में चोर का नाम नहीं लूंगा, ध्यान रखूंगा आगे से। हमारे क्षेत्र के अंदर अध्यक्ष महोदय पिछले बजट के अंदर 2012-13 के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत जी ने उस टाइम में एक मनसा माता के एनिकेट एक बांध का 8.5 करोड़ की घोषणा की थी। उस 8.5 करोड़ की बजट की घोषणा का पिछले सरकार ने बंटा ढार कर दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके में कुछ नहीं हुआ। 22.5 करोड़ रुपए की एक बांध के एनिकेट की माता के कोर्ट का बांध था उसको भी उन्होंने बर्फ में डाल दिया। अध्यक्ष महोदय आपको बताना, आपके संज्ञान में लाना चाह रहा हूं, एक 14 साल की माइनॉरिटी की नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण हुआ और उस अपहरण के मामले के अंदर जब उसके घर वाले न्याय मांगने के लिए गए, शांति से थाने के सामने बैठ के धरना कर रहे थे, उस टाइम में माननीय हमारे कटारिया जी गृह मंत्री थे, 60 लोगों को निर्दोषों को ठोक ठोक के और नॉन अवेलेबल धाराओं के अंदर अंदर टिका दिया गया, 250 लोगों को अंदर डाल दिया गया। हमें खुद को उसके अंदर इस मामले के अंदर जिस तरीके से जो अपनी नाबालिग बच्ची के लिए माइनॉरिटी के लोग जो यूपी से खेती करने के लिए गरीब लोग आते हैं अंदर और ही चला था और इनकी स्थिति तो बहुत ही इनकी जो स्थिति थी उसके बारे में तो बोलना ही नहीं चाह रहा। जिस तरीके से 5 साल राज हुआ, 5 साल जो राजस्थान में जिस तरह का शासन हुआ उस मामले में मलाई खाने वाली बात में कोई गलती है तो मुझे पता नहीं, मैंने ज्यादा स्टडी नहीं की है, लेकिन ये यदि असंसदीय है तो आप इसको जो उचित समझे, लेकिन मेरे जो समझ में आए तो बाकी के सारे लोग तो बेचारे ही थे, इनकी स्थिति तो ज्यादा ठीक अच्छी थी नहीं, इनको समझ नहीं मिल रहा था। समाप्त करें प्लीज, बोले